मेरे साथ है प्रोफेसर चंद्रपाल सिंह, पूर्व मंत्री। हम जानेंगे, बात करेंगे खेलों को लेके, जिस तरह से देख रहे हैं कि यूपी की सरकार जो कर रही है उससे, उस बारे में इनका क्या कहना है? खेलों के बढ़ावा देने के लिए प्रयास तो हो रहे हैं, पहले से बहुत ज्यादा हो रहे हैं, अच्छे हो रहे हैं। हमारे यहाँ यूपी में थोड़ा एक बात कमी है, ये जो खिलाड़ी बाहर विदेश से जीत के आता है इंटरनेशनल गेम्स में, एथलेटिक मीट्स में, उसको इंसेंटिव बहुत कम दिया जाता है। जैसे हरियाणा ने अभी एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल वाले को 5 करोड़ दिए या 50 लाख दिए। तो हम अपील करेंगे माननीय मुख्यमंत्री से कि उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा प्रदेश है, यहाँ तो हरियाणा से ज़्यादा देते तो बढ़िया था, कम से कम हरियाणा के बराबर 5 करोड़ देते तो खिलाड़ी फिर पलायन कर जाएंगे यहाँ से, खिलाड़ी पैदा भी नहीं होंगे फिर, उनको खाने पीने को और पेन किट्स वगैरह के नहीं मिला, कोच वगैरह नहीं मिला कोई, तो इस वजह से सुविधाएं कम है यहाँ पे, खेलों को बढ़ावा देने की बात ज्यादा। जिस तरह से अभी चल रहा है, सभी जो जितने भी पक्ष हैं वो महागठबंधन की जो बातें चल रही है उसमें आप क्या कहना चाहते हैं, और आप कहाँ पे अभी अपने आप को खड़ा देख रहे हैं, और आगे की आपकी क्या प्लानिंग है? महागठबंधन जीतेगा। और तो सर आप अभी एक बार फिर कमबैक करने वाले हैं? इसी उम्मीद के साथ लगे हुए। तो हमने जाना, प्रोफेसर साहब से बात करी, और इनका कहना है कि अगर सरकार चाहे तो और भी बेहतर हो सकती है हमारे प्रदेश की जो खिलाड़ियों की जो उभर के आ सकती है प्रतिभा। श्रीपाल तेवतिया, ईटीवी बुलंदशहर।